हेलो एवरीवन, मैं सीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी लर्निंग में। जो वैकेंसीज आई हैं, ये जो वैकेंसीज है ये हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की तरफ से है एंड यहाँ पर जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है यहाँ पे देख सकते हैं। ये काफी सारी वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है, मोबाइल डेवलपर की, रिसर्च एसोसिएट की, डेटाबेस प्रोग्रामर, MIS स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सीनियर GIS डेवलपर, सीनियर डेवलपर, एंड्रॉइड डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डाटा, एंड्रॉइड, iOS की यहाँ पे सभी वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है एंड ये जितने भी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है ये प्योरली ऑन कॉन्टेक्ट बेसिस पे रहेंगी, यानी कि हमारे कोई परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज नहीं निकाली है। ये जितने वैकेंसीज हैं ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल रहेंगी एंड लास्ट डेट है जो इन फॉर्म्स को फिल करने की वो है 2nd of September 2022। टाइमिंग भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4:30 बजे तक। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं 2 सितंबर से पहले। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन की हुई है, द एप्लीकेशन फीस अमाउंटिंग टू ₹200 इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट in favor of director Haryana Space Application Center Hisar may be also be attached with each application form. आपको यहाँ पर एक इसका एक DD बनाना पड़ेगा ₹200 का और जो आपको application form होगा उसके साथ आप इसको attach करके आप इसको send करेंगे। Bank account number यहाँ पे mention किया हुआ है with State Bank of India। आप पूरी details एक बार आप इसको read कर लीजिएगा form fill करने से पहले। बाकी जो भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे क्लियरली कर देती हूँ। जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये पूरा 1 ईयर का रहेगा, 1 साल का पूरा आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है तो। क्वालिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे क्या क्या मांगा हुआ है, अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन कंप्यूटर्स, IT, जियोग्राफी, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मिनिमम 3 इयर्स का प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है आपके पास एंड्रॉइड एंड iOS डेवलपर एक्सपीरियंस 6 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये वेल एंड गुड रहेगा। एंड इसके बाद स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ एंड्रॉइड API आपके पास होना चाहिए एंड अ डीप फैमिलियरिटी विद ऑब्जेक्टिव सी Profile touch with C, experience working with iOS framework such as code data, code animation for graphic and for text. बाकी की डिटेल्स आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन। इसके बाद आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हैं तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन है ये 3 इयर्स ऑफ रिसर्च टीचिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर 1 first class MSc, MCA, MTech in जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्बन प्लानिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिक लर्निंग, AI ML टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डेटाबेस प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे उन्होंने एक वैकेंसी उन्होंने निकाली हुई है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड जो पोस्टिंग है आपकी पूरे हरियाणा में आपकी कहीं पर भी आपकी पोस्ट हो सकती है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगी हुई है मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, IT, जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट प्रोफेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको आपका मांगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी हुई है ये मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर्स में एंड IT, जियो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, मिनिमम कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सीनियर GIS डेवलपर के लिए भी यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सीनियर डेवलपर की सभी के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है मेंशन की हुई है तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन सभी पोस्ट के अगर आप क्वालिफिकेशन चेक करिए, अगर आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैच हो रही है तो आप ये फॉर्म इजिली आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कॉलम मोड बनाया हुआ है जहाँ पे आपकी यहाँ पे एमोल्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल डेवलपर पे जो यहाँ पे एमोल्यूमेंट
जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो 75,600 है, यानी कि आप यहाँ पे जो भी अप्लाई करेंगे पोस्ट, तो आपको मिनिमम 37,000 से लेके जो मैक्सिमम एमोल्यूमेंट है वो 75,600 तक आपको मिल सकता है। लास्ट में आपको पेज नंबर 10 पे आपको ये एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जो आपको प्रॉपरली फिल करना होगा। फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, पूरी डिटेल्स इसमें आपको मेंशन करके, आप इस पोस्टिंग एड्रेस जो यहाँ पे मैं शेडिंग में मेंशन किया हुआ है इस पीडीएफ में, तो वहाँ से जो एड्रेस है आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको सेंड करेंगे। तो मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज इनको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।